जैन धर्म के शाश्वत तीर्थराज श्री समृद्ध शिखर जी में लगभग 6 किलोमीटर रोपवे बनाए जाने को लेकर जैन समाज ही नहीं बल्कि मधुबन के आदिवासी समाज में भी आक्रोश व्याप्त है। 7 अक्टूबर को बड़ी संख्या में रोपवे के विरोध में मधुबन में डोली वालों ने विशाल रैली निकाली। तीर्थों को तीर्थ ही रहने दीजिए, यह आवाज है जैन समाज की। तीर्थों पर नहीं चाहिए सरकार का विकास, यह कहना है दिगंबर संतों का। शाश्वत तीर्थराज सिद्ध क्षेत्र श्री समृद्ध शिखर जी में लगभग 6 किलोमीटर का रोपवे बनाए जाने को लेकर जैन समाज के साथ अब मधुबन का आदिवासी समाज भी साथ खड़ा नजर आ रहा है। विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, केंद्र सरकार के NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा श्री सम्मेश शिखर जी पारसनाथ पर्वतराज पर 6 किलोमीटर लंबा रोपवे की घोषणा उसमें की गई है। बंधुओं, किसी भी प्रकार से उन्होंने जैन समाज की सहमति पूर्ववत नहीं ली है। जैसे कि आपको विदित है 5 जनवरी 2023 को केंद्रीय वन मंत्रालय ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर श्री पारसनाथ पर्वतराज पर किसी भी प्रकार की पर्यावरण पर्यटन और पर्यटन की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए जारी किया गया था, लेकिन वर्तमान में फिर दोबारा से केंद्र सरकार की राशि से इस प्रकार की घोषणा किए जाना बहुत ही दुखद चिंतनीय है। सकल जैन समाज इसका विरोध करेगा। किसी भी रूप में कैसे भी हम इस प्रकार की जो रोपवे की गतिविधि, रोपवे लगाने की, पर्यटन बढ़ाने के लिए बिना जैन समाज की सहमति लिए इस तरह के आदेश जारी करना बहुत ही दुखद है। आपको बता दें कि मधुबन के आसपास के आदिवासी समाज के अनेक लोगों के लिए शिखर जी आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए डोली और पालकी उपलब्ध कराना एकमात्र रोजी रोटी का साधन है, लेकिन यदि रोपवे बनता है तो इन लोगों के सामने सबसे बड़ा संकट रोजी रोटी का होगा, साथ ही तीर्थ की पवित्रता खंडित होने का खतरा बना रहेगा। 7 अक्टूबर को आदिवासी समाज के हजारों लोगों ने रोपवे के विरोध में मधुबन में विशाल रैली निकाली। जैन फोकस के लिए श्री समृद्ध शिखर जी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट।